जय श्री गणेश जी दोस्तों, मैं हूँ इंस्ट्रक्टर संध्या सक्सेना माल ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कुंडली के बारे में बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि वाला स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संपत्ति बनी रहेगी, परिवार में थोड़ा सा तू तू मैं हो सकता है, प्रेम का संबंध अच्छा है और व्यवसाय भी आपका अच्छा है, पैवाहिक जीवन भी अच्छा है। अगर हम देखा जाए तो थोड़ा अप एंड डाउन के साथ, देखिए किसी की जीवन भी कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो चाहे कितना भी बुरा हो, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते ही हैं। तो इसी तरह से आपके जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, लेकिन दिन आपका फिर भी अच्छा है। आपके लिए शुभ रंग भूरा या स्लेटी है, चार नंबर आपके लिए लकी है। आपको क्या करना है, काले तिल या काली सरसों का जो है शनि मंदिर में दान करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि जिसका मालिक शुक्र होता है, शुक्र भोगल विलासिता का भी देवता होते हैं, तो आपके लिए मेरे को दिख रहा है स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति अच्छी है, परिवार अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यवसाय अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा है। कुल मिलाकर टोटल मुझे देखने में आ रहा है कि आपका तो ऑल ओवर सब अच्छा ही है। छोटा मोमटा जो भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, जो कि नॉर्मल सभी के साथ लगा रहता है, तो उसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है, पीला है, तीन रंग आपके लिए नंबर जो है शुभ रहेगा। हरे रंग का प्रयोग कीजिएगा, और अगर आप हरी दुर्वा जो होती है भगवान गणेश जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, या आपके घर में अगर गणेश जी रखें उनको चढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पर आती है मिथुन राशि। आपको स्वस्थ थोड़ा डामाडोल रह सकता है, धन संपत्ति के मामले पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, और आपका परिवार अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, व्यवसाय ठीक है, वैवाहिक जीवन भी आपका लगभग ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में हो सकता है कि आप किसी को गिफ्ट वगैरह दें, या फिर अपने जीवन साथी के लिए कुछ खरीदारी करें ऐसा दिख रहे हैं, या साथ में कुछ टाइम अच्छा बिता सकते हैं। नारंगी और सुनहर रंग आपके लिए शुभ है, एक नंबर आपके लिए लकी रहेगा, और आपको भगवान श्री विष्णु जी की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए दिन आपका बढ़े रहेगा मिथुन राशि वालों। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति भी आपकी अच्छी है, बनी रहेगी, लेकिन परिवार के साथ, प्रेम संबंध के साथ और वाहिक जीवन, ये जो तीन चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी खटर पटर हो सकती है। परिवार के साथ आपकी तू तू में बहस हो सकती है, किसी बात को लेके परिवार आपसे नाराज़ हो सकता है, जिसे प्यार कर सकते हैं, जिसे प्यार करते हैं, हो सकता है उसके साथ भी थोड़ा सा डिस्पेंसलनेस हो जाए, किसी बात पे आपको कोई गलतफहमी हो जाए, या फिर किसी बात पे नाराज़गी हो सकती है जिससे आपका मूड थोड़ा अपसेट हो सकता है, और व्यवसाय आपका टाइम अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। हरा फिरोजी रंग आपके लिए शुभ है, पांच नंबर आपके लिए लकी है। करना क्या है आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो गाय को चारा खिला के आइए, वो भी हरा हरा सा, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा कर्क राशि वालों। अब अगली राशि की बात करेंगे, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हाई जाए, आपको गुस्सा आ जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब लोग आपकी बात को नहीं मानते तो आपको नाराजगी तो हो ही जाती है। धन संपत्ति के मामले में आपका दिन अच्छा है, परिवार भी ठीक ठाक ही रहेगा, प्रेम संबंध भी अच्छा है, आपका व्यवसाय में उन्नति के अवसर दिख रहे हैं, और वैवाहिक जीवन में भी आपका ठीक ठाक है, यानी कि जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बना रहेगा, उत्साह भी आपका बना रहेगा। केसरिया पीला रंग आपके लिए शुभ है, तीन नंबर आपके लिए लकी है। क्या करना है, थोड़े से शनिदेव को मनाइए, शनिदेव का मतलब आपको सातवें की रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति का मामला थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, परिवार आपका अच्छा है, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे हैं, व्यवसाय में बढ़िया है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और मैंने आपको जैसे कहा है हमेशा 100% कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं, तो उसके लिए इतना माइंड नहीं करते हैं। नारंगी सुनहरा रंग आपके लिए, सुनहरा नारंगी रंग आपके लिए शुभ है, एक नंबर आपके लिए लकी है। क्या करना है, थोड़ा सा दान कर दीजिए मंदिर में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है तुला राशि। तुला राशि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डामनडोल रह सकता है, धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा टाइम नहीं है, परिवार के साथ आप टाइम बिताएंगे, खुश रहेंगे, प्रेम संबंध आपके ठीक ठाक बने रहेंगे, व्यवसाय में भी थोड़ी बहुत तरक्की आपकी दिखाई दे रही है, और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा और उन्नत बना रहेगा। क्या कर सकते हैं आप, आपके यहाँ करने से पहले भूरा सलेटी रंग आपके लिए शुभ रहेगा, चार नंबर आपके लिए लकी है। अब वो करना क्या है, यदि आप अपने हाथ में लोहे का छल्ला पहन लेते हैं तो उससे शनि के आपको फायदा होगा, इसके अलावा शनि की थोड़े पूजा पाठ दान करेंगे तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आती है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ रहेगा, धन संपत्ति बनी रहेगी, प्रेम भी आपका बहुत अच्छा नहीं है, परिवार आपके साथ ठीक ठाक है, व्यवसाय भी आपका बैलेंस ही रहने वाला है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन, थोड़े खट्टा मीठे के साथ रहेगा। आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा से कहा है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो बने रहते हैं, अगर मुस्कुरा के जीवन जिएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे और थोड़ा सा सैर पे निकल जाइए, अपने अच्छे जो लोग लगते हैं उनसे बातें कीजिए तो आपका दिन अच्छा निकल जाएगा। हरा फिरोजी रंग आपके लिए शुभ है, 5 नंबर आपके लिए लकी है, और क्या करना है आपको, थोड़ा सेवा करेंगे आपको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं धनुराशि वालों की, तो धनुराशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति भी अच्छी है, परिवार में थोड़ा बहुत कलह कलेश हो सकता है, थोड़ा सा बहुत प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो नॉर्मल है क्योंकि धनुराशि वाले हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा ही रहता है, मैंने देखा है धनुराशि वालों और एक कन्या राशि वाले यानी कि पाक्षर बड़ा परेशान रहते हैं, धनुराशि वाले भी परेशान ही रहते हैं। तो आपके लिए क्या है, शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर सफ़ेद रहेगा, और आपको क्या करना है, ओम का जाप कीजिए तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी और आपका टाइम भी अच्छा रहेगा। मकर राशि की अब हम बात करेंगे, तो मकर राशि वालों आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रह सकता है, सर में दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, हल्की फुल्की जुकाम बुखार हो सकता है, या आप किसी बात को अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो उसका भी पेन हो सकता है। धन संपत्ति मामले अच्छा है, परिवार भी आपके साथ ठीक ठाक ही है, प्रेम संबंध आपके सही रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं बहुत बुरे भी नहीं, और आपका पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक है, व्यवसाय भी अच्छा है, और जिसके साथ आप प्यार करते हैं शादी की है उसके साथ भी आपके संबंध अच्छे मधुर बने हुए हैं। 4 नंबर आपके लिए लकी है, और आपको करना क्या है, आप गुलाबी कपड़ों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और हनुमान जी को थोड़ा ध्यान कर लें, पूजा पाठ कर लेंगे तो हनुमान जी की शरण में जाइए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, शनि आपके लिए होते हैं मेन, तो थोड़ा सा भगवान शनिदेव की हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अप एंड डाउन से भरा हुआ है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। धन संपत्ति के मामले काम आए हो, पैसा आएगा जाएगा, काम बनते रहेंगे, रुकेगा तो कुछ भी नहीं, परिवार अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध में थोड़ा बहुत खट्टा मीठा रहेगा, व्यवसाय में बिना सोचे समझे कोई काम ना करें अच्छा रहेगा आपके लिए, और वैवाहिक जीवन भी तालमेल के साथ चला सकते हैं। लाल या मरून रंग आपके लिए शुभ है, 9 रंग आपके लिए जो अंक है 9 अंक वो आपके लिए शुभ रहेगा, और साथ में अगर आप चाहते हैं आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो कुंभ राशि वालों आपके मालिक वैसे भी कौन है, शनिदेव है, और कुंभ राशि में शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपको अपना ध्यान रखना है ठीक है, सब अच्छा होगा, तो भगवान शनिदेव का थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अब आती है राशि मीन राशि, मीन राशि आपका स्वास्थ्य बैलेंस रहेगा, थोड़ा अप एंड डाउन के साथ, थोड़ा सा खट्टा मीठा यानी हल्का फुल्का जुकाम वगैरह, लेकिन धन संपत्ति के मामले ठीक ठाक है, परिवार अच्छा है, प्रेम संबंध भी आपके मजबूत रहेंगे, व्यवसाय में दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना दिखाई दे रहा है। क्रीम सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ है, 7 नंबर आपके लकी है, और आपको करना क्या है, निर्धन असहायों की मदद करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या है। आज के लिए दिन बस इतना ही, थैंक यू सो मच।